प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष त्रिवी नारायण शुक्ल एवं शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू द्वारा प्रदेश महासचिव डीपी सिंह व जिला कार्यकारी अध्यक्ष रमा शंकर सिंह की उपस्थिति में कांग्रेस कार्यालय में केंद्र सरकार के किसान बिल विधेयक सहित मोदी सरकार के 3 अध्यादेशों के विरोध में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं राजगढ़ जिले के ब्यौरा विधायक गोवर्धन डांगी की कोरोना से हुई असमय मौत पर शोक संवेदना व्यक्त की, जबकि वार्ता के दौरान ग्रामीण अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ल ने किसान बिल को किसान का डेथ वारंट बताया। प्रस्तुत है वार्ता के अंश। और सत्ता सरकार की लालच में मुख्यमंत्री की कुर्सी का लोभ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, ये कोरोना और डरोना ने आज पूरे देश के अंदर ये डरोना के रूप में आम जनमानस तक तकलीफदायक हो गया। हमारे रीवा जिले के अंदर, साथ ही प्रदेश के एक हमारे विधायक डांगी जी, और कल सूचना अखबारों और प्रिंट मीडिया के माध्यम से रेल राज्य मंत्री जी का निधन हुआ। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, और साथ ही भगवान से आप सबके माध्यम से निवेदन करते हैं कि ये जो कोरोना और डरोना की बात करने वाले सत्ता के लालची लोग जो आज इस दुख की घड़ी में हमारे बीच में कोरोना की महामारी में लोग शांत हो गए, उनके परिवार, उनके बीच में क्या बीत रही होगी, ये कोरोना का हंसी बना के रखा। ज़्यादा आज का समय दर्द का है, वो है पेट का दर्द। जब खाने को नहीं होगा तब देश की स्थिति क्या होगी, उस किसान की, जनता की, मजदूर की स्थिति क्या होगी, ये आप सब समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी रिया कंगना सुशांत में व्यस्त है, और किसान अपने हक के लिए सड़कों पे है। मैं आदरणीय भगत चाचा जी से चाहूँगा कि वो आप सबको, हमारे सभी सम्मानित साथी सबको सादर प्रणाम, वंदन एवं अभिनंदन। आप सबको पता है, आप सब प्रेस जगत से जुड़े हैं, ये इस केंद्र सरकार लगातार 5-6 साल में पूरे देश को तहस नहस कर दिया। धंधा, व्यवसाय, रोजगार सब कुछ, एक घर में बनाने के लिए 4 खंभे होते हैं, 3 खंभे इनने पहले ख़त्म कर दिया। कृषि का बचा हुआ था तो इसको भी ख़त्म कर दिया। जो अधिनियम इनने पारित किया है वो पूरी तरह से किसान विरोधी है, और किसान के डेथ वारंट में ये एक तरह से दस्तक, पूरे अपने मित्रों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को देने की एक विधि व्यवस्था है। इसलिए कांग्रेस पार्टी हमारी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, सब ने मिलकर पूरे देश में इसकी लड़ाई लड़ने की ठान ली। इसके संबंध में आज एक पत्रकार वार्ता है। तो जो MSP है उसको एक अध्यादेश लाके MSP को कानूनी जामा पहना दें। MSP का बड़ा राग मोदी जी अलाप रहे थे कि अभी BJP वाले, ये कांग्रेस वाले कर रहे हैं, विपक्ष वाले इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं। उनकी अपनी ही मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। अगर इतना बढ़िया कानून था तो उनकी मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। MSP कहीं किसी को मिलती, आप सब लोग भी समाज के रहने वाले, 5% लोग भी MSP में अपना गल्ला नहीं बेच पाते। जो संकैरी खरीदी होती, जबकि इन्हें शिवराज सिंह ने एक कानून बनाया था, आपको ध्यान होगा कि अगर MSP के नीचे कोई व्यापारी किसान का गल्ला खरीदेगा तो हम FIR कर देंगे। कितने लोगों के खिलाफ FIR हुआ। इसलिए आप, मैंने, हमारा ये कहना है केंद्र सरकार से कि भाई एक अध्यादेश या कि उसी अध्यादेश में ये कानूनी जामा पहना दो कि किसान की कोई भी जिंस, कोई भी व्यापारी MSP से कम पे नहीं खरीदे।